वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.3 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो आपका मेन टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्लास 10th में भी फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आपके पास वर्टिसेस गिवन होते हैं तो हम फार्मूला यूज करते थे 1/2 x1/2 - y3 x2/3 - y1 x3/y1 - y2। पर यहां पर जो आपको एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इज ट्रायंगल एबीसी व्हिच वर्टिसेस 1,0 6,0 एंड 4,3 लेट इट इज x1/1 x2/2 एंड x3/3। तो फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 and 1। ऑन पुटिंग द वैल्यूज 1/2 x1 is 1, y1 is 0, 1, x2 6, y2 0, 1, x3 4, y3 3 and 1। यहां पर ऑलरेडी आपके पास 2 जीरोज है किसके में, पर्टिकुलर कॉलम में, C2 कॉलम में आपके पास 2 जीरो है। तो हम उसी के टर्म में एक्सपेंड कर लेते हैं। रीजन क्या है एक्सपेंड इन टर्म C2, वो हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें वहां पे कम वर्क करना पड़ेगा। एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ C2, तो C2 के ही एलिमेंट पहले लिख लो 0, 0 एंड 3। ये तीनों एलिमेंट मैंने लिख लिए। साइन कन्वेंशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहां पर C2 के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो C2 के लिए जो साइन कन्वेंशन है ये वाला फैक्टर आपका माइनस का है, फिर ये आपका प्लस का है और फिर ये माइनस का है। आफ्टर दैट पहले की तरह उन एलिमेंट्स को आपको लिखना है जिनके ये फैक्टर्स हैं। तो जीरो के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाला एलिमेंट है कौन सा, फर्स्ट रो और ये वाली फर्स्ट रो और ये वाला सेकंड कॉलम, ये आपको रिमूव करना होगा। कौन कौन से जाएंगे इसमें हमारे, अब ये वाला ओके ये आपका चला गया, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। वैसे तो ये एलिमेंट जो आपका है ये आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो 1, 2 को मैंने छोड़ दिया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो आपके पास जो एलिमेंट बचे वो कौन कौन से बचे, 6 और 1 4 और 1। अब हम जीरो की बात करते हैं, ये एलिमेंट कहां पर है, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, वहां पे हम इस वाले रो को रिमूव करेंगे, बाकी जो बचा उसको नोट डाउन करेंगे। कौन सा बचेगा, 1 1 एंड 4 1। ऐसे ही -3 that means हमें ये वाला छोड़ना होगा, कौन सा वाला, सबसे लास्ट वाला ओके। अब आपके पास जो बचे एलिमेंट्स उनको बताइए क्या क्या बचा आपके पास, 1 1 6 1। अब इसको सॉल्व करने का मेथड मैं बता ही चुका हूं, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि जीरो आएगा, इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं जीरो आएगा क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो -3 सिंपली 1 की मल्टीप्लाई पहले 1 से होगी फिर 6 से होगी, पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1 - 6 - 5 - 5 और - 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 15 स्क्वायर यूनिट। इट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट ओके। अगर कहीं पर एरिया आपका नेगेटिव भी आ रहा है तब भी आप पॉजिटिव लिखोगे क्योंकि एरिया कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता वो, उसको आप पॉजिटिव ही लिखेंगे, यहां पर आप एज ए मॉडुलस का साइन मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल्स के, k,0 4,0 0,2 और एरिया भी आपको गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट है, बट आपको यहां पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर फॉर्मूला जैसे पहले लगाया था वैसे ही हम यूज करेंगे, डेल इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 and x2 y2 1 x3 y3 1। ऑन पुटिंग द वैल्यूज 1/2 x1 इज k y1 इज 0 1 x2 y2 4 0 1 x3 0 2 1 ये आपके x1 y1 और ये आपका x2 and y2 ये आपका x3 और ये आपका y3। एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है ये वाला कितना है, ये 4, तो मैंने यहाँ पे 4 पुट कर दिया 1/2। यहां पर आप प्लस माइनस का साइन लेंगे इक्वल में
के जीरो, अब यहां पर भी आपको एक्सपेंड करना है, किसके टर्म में एक्सपेंड करना है, सी टू के ही टर्म में मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, रीजन यहां पर दो जीरो ऑलरेडी है तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं कौन सा वाला फैक्टर, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसका सॉल्यूशन जीरो है, इसका भी सॉल्यूशन जीरो, फाइनली ये वाला लिख रहा हूं, और ये वाला साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसका था, यहां पर माइनस का था तो माइनस लगा लिया और टू लिख लिया। अब माइनस टू के लिए क्या करना होगा, ये वाला रह जाएगा रिमेनिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, दैट मीन्स के की मल्टीप्लाई वन के साथ, ओके के मल्टीप्लाई वन माइनस फोर मल्टीप्लाई वन, ये आपको डायरेक्टली कोशिश करनी होगी, अपनी प्रैक्टिस इतनी फास्ट करनी होगी कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके माइनस फोर टेकिंग पॉजिटिव साइन, मैं यहां पर पॉजिटिव साइन का यूज कर रहा हूं, फोर टू जा एट इक्वल टू माइनस टू के प्लस फोर एट, मल्टीप्लाई कर दी, एट से एट कैंसिल आउट, द वैल्यू ऑफ के इज जीरो इन दैट केस इफ के इज पॉजिटिव साइन। अब मैं निगेटिव साइन का यूज कर रहा हूं, टेकिंग निगेटिव साइन, तो यहां पर माइनस फोर लेंगे, माइनस फोर इक्वल टू वन बाई टू और अंदर आपका पास माइनस टू के प्लस एट, देन टू फोर जा माइनस एट इक्वल टू माइनस टू के प्लस एट, एट आपका इधर आएगा तो माइनस सिक्सटीन इक्वल टू माइनस टू के, दैट मीन्स के इक्वल टू एट, तो द वैल्यू ऑफ के इज एट और के वैल्यू ऑफ के इज जीरो, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ के द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 4 स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड थी वो हमने आज डिस्कस की, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 और टॉपिक होगा आपका माइनर एंड को फैक्टर।